ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी वापसी से अब वनडे सीरीज में बढ़ गया है रोमांच, जहां अब एक निर्णायक मुकाबले में दोनों ही टीमों के पास रहेगा बराबर का मौका। एक तरफ रोहित एंड कंपनी अपने घर पर विनिंग रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए लगाएगी पूरा जोर, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की निगाहें भारतीय सरजमी पर एक और वनडे सीरीज जीतने पर टिकी होंगी। मुंबई और विशाखापट्टनम के बाद अब चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की तरफ बढ़ चुका है सीरीज का आखिरी पड़ाव, जहां दोनों ही टीमों का रहा है अब तक शानदार रिकॉर्ड। ऐसे में निर्णायक मुकाबले में एक और कांटे की टक्कर की रहेगी पूरी उम्मीद। वहीं पर तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम में भी देखने को मिल सकते हैं बड़े बदलाव, जहां पर कुछ खिलाड़ियों को दिखाया जाएगा टीम से बाहर का रास्ता, तो वहीं कुछ नामों की हो सकती है प्लेइंग 11 में एंट्री। तो आखिर सीरीज जीतने के लिए किन खिलाड़ियों के साथ उतरेगा भारत, क्या कहता है चेन्नई का इतिहास और पिच रिपोर्ट, इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। वानखेड़े के मैदान पर जरूर भारतीय टीम ने बाजी मारी, लेकिन विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम को मुंह की खानी पड़ी। खेल के तीनों डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हराकर मुकाबला एक तरफा अंदाज में अपने नाम किया और सीरीज में एक एक की बराबरी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए भारत को चारों खाने चित किया। मिचेल स्टार्क ने फिर से कहर बरपाया और इस बार 5 विकेटें चटका दी। टीम इंडिया केवल 26 ओवरों के अंदर 117 रनों पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने इस रन चेस को केवल 11 ओवर में ही हासिल करते हुए टीम इंडिया को अब तक की क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार भी थमा दी है। ऐसे में अब वनडे सीरीज काफी दिलचस्प मोड पर पहुंच गया है, जहां पर आखिरी मुकाबले में दोनों ही टीमों के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ दोस्तों जहां भारतीय टीम एक बुरी हार के बाद पलटवार करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक टीम के तौर पर कहर ढा रही ऑस्ट्रेलिया भारत में वनडे सीरीज जीतकर वर्ल्ड कप 2023 के पहले एक बड़ा स्टेटमेंट देना चाहेगी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए चुनौती अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए यहां से टर्न राउंड करना एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि दोस्तों एक गलती भारत पर काफी भारी पड़ सकती है। दोनों टीमों के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाला आखिरी मुकाबला भी रोमांच से भरपूर रहने वाला है, ऐसा यहां का इतिहास भी बयां करता है। दरअसल इस ग्राउंड पर अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया दो बार आमने सामने हुए हैं, जहां दोनों ही टीमों ने एक एक बार मुकाबले को अपने नाम किया है। इसके अलावा इस ग्राउंड पर टीम इंडिया ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं और इसमें 7 मुकाबलों में भारत को जीत मिली है, जबकि 5 बार टीम इंडिया को इस दौरान हार का सामना भी करना पड़ा है। सबसे हालिया मुकाबला साल 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने चेन्नई में खेला था, जहां भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड चेन्नई में काफी शानदार रहा है। कंगारू टीम ने चेपाक स्टेडियम में 5 वनडे मुकाबले खेले हैं, इस दौरान उन्होंने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और केवल एक मुकाबला हारा है। आपको बता दें, अमूमन चेन्नई के विकेट पर टर्न देखने को मिलता है और यहां स्पिनरों का बोलबाला भी रहता है। वहीं इस विकेट पर ज्यादातर कोई बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला है। अब तक इस वेन्यू पर खेले गए 22 वनडे मुकाबलों का एवरेज स्कोर भी दोनों पारियों को मिलाकर 250 रनों से कम का है, और ऐसे में इस विकेट पर पहली पारी में 280 से 300 रन भी एक मैच विनिंग स्कोर साबित हो सकता है। इसीलिए निर्णायक मुकाबले के लिए टीम इंडिया को अपने प्लेइंग 11 में कई बड़े और अहम बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कई बड़े और बोल्ड फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपको बता दें, इस निर्णायक मुकाबले में शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे, लेकिन पिछले मुकाबले के बनिस्पत इस मैच में भारतीय जोड़ी से एक बेहतर और दमदार शुरुआत की दरकार होगी। दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आएंगे, उनका भी बल्ला पिछले दो मुकाबलों में खामोश रहा है। खासकर पिछले मैच में सेट होने के बाद कोहली ने अपना विकेट गंवा दिया था और अब सीरीज डिसाइडर में कोहली के बल्ले से एक विराट पारी चाहिए होगी। वहीं इस मुकाबले में सबसे पहला बदलाव बल्लेबाजी ऑर्डर में देखने को मिल सकता है, जहां पहले दो मुकाबलों में बिल्कुल ही फ्लॉप होने के बाद सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 से हाथ धोना पड़ सकता है और उनकी जगह इस टीम में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया जा सकता है। सुंदर न केवल ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बल्कि वो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और मिडिल ऑर्डर में भी सुंदर को आजमाना
एक बुरा विकल्प नहीं होगा। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कई बार टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की है और भारत के लिए भी वो एक बल्लेबाज की हैसियत से पांचवें नंबर की पोजीशन पर खेल सकते हैं। ऐसे में केएल राहुल को चौथे नंबर पर प्रमोट किया जा सकता है, जिनका बल्ला पहले मैच में भारतीय टीम की जीत की कहानी लिख चुका है। वहीं इसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा से भी एक ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। पिछला मुकाबला दोनों के लिए ही साधारण गुजरा है और ऐसे में उनके लिए भी ये एक बड़ा मुकाबला होगा, जबकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय कप्तान अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे या फिर उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को शामिल किया जाएगा। वैसे दोस्तों, चेन्नई की विकेट पर स्पिनर्स के लिए काफी मदद रहता है और ऐसे में तीसरे मुकाबले में भी अक्षर पटेल प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो सिराज और शमी की जोड़ी को बेशक पिछले मुकाबले में काफी मार पड़ी है, लेकिन इस निर्णायक मुकाबले में इन्हीं दोनों गेंदबाजों पर तेज गेंदबाजी का दारोमदार रहेगा, जबकि कुलदीप यादव स्पिन बॉलिंग का नेतृत्व करते नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम को किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहिए, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।